शहर में एक और जहां आए दिन अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को पुलिस की सूझबूझ से एक बड़ी घटना होते होते बची। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को पुलिस आयुक्त लोहित मतानी द्वारा एक निराधार महिला को चाय की टपरी उसके रोजगार के लिए लगा कर दी गयी, जिसके लिए उस जोन अंतर्गत आने वाली पुलिस टीम वहां मौजूद थी। इसी दौरान उन्हें वहां पर दोपहिया वाहन से जाता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर थोड़ा हिचकिचाया, जिसके चलते पुलिस को उस पर संशय हुआ और तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे पकड़ा और उसकी छट्टी दी तो आरोपी से चाकू बरामद हुआ, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंढे ने अधिक जानकारी साझा की। भीम चौक में आदरणीय DCP सर ने एक निराधार महिला को चाय नाश्ते का ठेला लगा कर दिया है, उसकी रोजगार के लिए हेल्प करने हेतु। तो हम सारे लोग यहाँ पे हमारे मेरे DB पार्टी रवि मिश्रा, इनकी DB पार्टी और उनके बहुत सारे कर्मचारी और हम सब यहाँ खड़े थे। अचानक एक लड़का जो ये बुलेट है, इस बुलेट पे आ रहा था और हमको देख कर वो थोड़ा सा हिचकिचाया। हमारे DB पार्टी के जो इंचार्ज है हेड कॉन्स्टेबल मिश्रा, उनको इमीडिएट ऐसा ध्यान में आया कि ये बंदा कुछ गड़बड़ है। उसने इमीडिएट उसको पकड़ा और उसकी झड़ती ली तो वह उसके कमर में एक हत्तीमार चाकू मिला। उसके लिए हमने उसको इमीडिएट पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं, उसके खिलाफ RMAT के तहत हम अपराध दर्ज करेंगे। उसके पास से ये बुलेट और चाकू, ऐसी दोनों चीज़ें हमने जब्त की है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आकाश बालकृष्ण जांबुड़कर, रहना आनंद नगर बौद्ध विहार सोन पापड़ी कारखाना के पास यशोदा नगर पुलिस स्टेशन के हाथ में वो रहता है। इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं, जैसे हमको आगे की जानकारी मिलती है हम आगे का अपडेट आपको करते जाएंगे। पुलिस ने गिरफ्तारी किए हुए आरोपी का नाम आकाश जांबुड़कर है और उसे चाकू जब्त किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।